फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज फिर हाजिर हूँ नए डिज़ाइन के साथ। फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का ये डिज़ाइन। ये स्लिप डिज़ाइन है, ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें कि आपने स्लिप एंड पास ओवर करना है। बस सिंपल सा डिज़ाइन है। इसके लिए जो मैंने कास्ट ऑन किया है वो मैंने किए 38 स्टिचेस। आपने इसमें कास्ट ऑन करना है, उसके लिए आपको 6 के मल्टीपल्स में कास्ट ऑन करना है, प्लस 2 मैंने एज स्टिचेज रखे हैं, ठीक है। तो मेरी नीडल में मैंने रखे हैं 38 स्टिचेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा राइट साइड पे है, राइट साइड में पहला फंदा इस तरह मैंने ले लिया। उसके बाद ये स्टिच आपने स्लिप कर दिया। नेक्स्ट 2 स्टिचेस आपने बुन लेने हैं, वो भी निट, यानी कि सीधे बुन लेने। यू हैव टू निट, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये क्या करना, 2 स्टिचेस लेके ये जो आपने स्लिप किया था वो स्टिच इसके ऊपर से इस तरह कर लेना है। फिर नेक्स्ट 3 स्टिचेस आपने सिंपल बुन लेने हैं इस तरह ही, ठीक है। फिर से ये स्लिप किया और 2 स्टिचेस बुन लिए। ये स्लिप वाला जो स्टिच है ये इसके ऊपर को, फिर 3 फंदे बुन लेने हैं। ये बुन दिए, फिर एक स्लिप किया, फिर 2 फंदे बुने, और जो स्लिप किया है उसको आपने इसके ऊपर से इस तरह लेके जाना है। इसी तरह से पूरी की पूरी आपने ये सिलाई ले लेनी है। 3 मैंने बुन दिए, उसके बाद आपने स्लिप करना है, उसके बाद 2 बुन के जो स्लिप किया है ये इसके ऊपर से इस तरह लेके जाना है। 3 स्लिप, 2 फंदे बनाने हैं, फिर ये वाला इसके। तीन फंदे बना दिए, फिर से और ये हमारा एज स्टिच आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। रॉन्ग साइड, ये फंदा एज इट इज उठा लिया आपने, फिर आपको उल्टा बुन जाने हैं। 5 फंदे पहले ऐसे बुन लीजिए, ये 3 स्टिचेज जो एज इट इज हमने उठा लिए थे, ये देखिए, ए 1 2 3 4 5 5 मैंने उल्टे बुन लिए, यानी कि पर्ल, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस तरह से धागा लाना है। ये देख रहे हैं आप, ये धागा मैंने इस तरह से लेके आया और फिर ये इस तरह से ए बुन दिया। 5 स्टिचेस फिर इसी तरह से बुनने हैं आपने, फिर से इस तरह से भी ले सकते हैं, फिर 5 स्टिचेस, इस तरह पूरी की पूरी आपने ये सिलाई ले लेनी है।
फूल की पूरी सिलाई ले ली हमने। ये हम राइट साइड पे आ गए रो थ्री, पहला स्टिच एज इट इज उठा लिया। अब ये एज इट इज बुन लेना है आपने, तीन स्टिच, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि ये वाला आपने स्लिप करना है, नेक्स्ट वाला दो स्टिच बनाए, दो फंदे ले लिए और ये वाला इसके ऊपर से इस तरह से निकाल दिया। फिर नेक्स्ट थ्री स्टिचेस, फिर ये स्लिप और ये ऐसे करके, फिर ये वाला इसके ऊपर से इस तरह निकाल लिया। पूरी सिलाई हमने ले ली, ये थर्ड रो थी हमारी। अब हमारी फोर्थ रो, ये एज इट इज उठा लिया है हमने। फिर ये वाला फंदा बुनना है, ये देख लिए फोर्थ रो है, ये ध्यान से देखिए ये कर लिया। अब फिर से इस तरह धागा लेके फिर फाइव फंदे आपने बुनना है। फोर और ये फाइव, फिर से धागा इस तरह आगे लेके फिर से फाइव फंदे। फिर धागा इस तरह पूरी की पूरी रो इसी तरह से आपने बना लेनी है। फाइव, टू, थ्री, फोर, फाइव। ये जो रो हमने फोर रोज बुनी है, ये फोर की फोर रोज आपने इसमें रिपीट करनी है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, मेरे थंबनेल से आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कि किस तरह से ये डिजाइन दिखेगा। बहुत अच्छा लगेगा ये डिजाइन जिस तरह, जब आए थोड़ा और आप इसको बनाएंगे तो बहुत अच्छा दिखेगा ये। ओके फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा इसको बना के फिर से आपको फोर रोज और लेके बताती हूँ कि किस तरह से थोड़ा दिखेगा। देखिए कुछ इस तरह से ये डिजाइन दिखेगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आया हो। फ्रेंड्स पसंद आया तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूले। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नई और अच्छी अच्छी वीडियोज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। आज की वीडियो अच्छी और यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी नई वीडियो की अपडेट।